नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एक मल्टीपर्पस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना सिखाता हूँ जो आपके गार्डनिंग प्लांट्स को हेल्दी तो रखेगा ही, लेकिन सभी प्लांट्स में फ्लावर लाने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो भी देगा और साथ ही में हानिकारक जीवाणु और फंगल इन्फेक्शन से भी आपके प्लांट्स को बचाएगा। इसके लिए आप सबसे पहले एक बकेट को अच्छे से साफ कर लीजिए और इसमें 8 से 10 लीटर जितना पानी डालें। लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए आपको चाहिए ये गाय के गोबर का एक साल पुराना कंडा यानी कि काउ डंग केक, जिसमें आपको 3:1 की मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मिल जाएगा, जो कि किसी भी प्लांट के लिए बेहद ज़रूरी है। इस लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए मैंने इसमें एक साल पुराना भेड़ बकरी का खाद भी मिलाया है, जिसमें न्यूट्रिशन की मात्रा भरपूर होती है, जो प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। अब पानी वाले इस बकेट में यह गोबर के कंडे रख दीजिए। शुरू में यह कंडे ऊपर ही रहेंगे, बाद में जैसे जैसे यह पानी सोखता जाएगा ये नीचे बैठ जाएगा। इसके बाद इसमें आप अपने हिसाब से भेड़ बकरी का खाद अगर आपको मिल जाए तो वो भी इसमें डाल दीजिए। अब इस गाय के गोबर के कंडे वाले बकेट को हमें किसी भी ढक्कन से ढक देना है और 2 दिन तक हमें कुछ भी नहीं करना है। 2 दिन के बाद इसे हर रोज दिन में एक बार आपको हिलाते रहना है और ऐसे आपको 15 दिन तक करना है। 15 दिन में ये लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार हो जाएगा। 15 दिन के बाद गोबर के कंडे में जो न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे पानी में घुल गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है, यानी हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार हो गया है। लेकिन दोस्तों, अभी इसमें हमें कुछ और भी मिलाना है। सबसे पहले इस लिक्विड फर्टिलाइजर को हमें किसी बड़े से छन्ने या फिर कपड़े की सहायता से छान लेना है, ताकि जो इसमें गोबर के कंडे के जो अवशेष हैं वो सारे बाहर निकल जाए। तो इसे अच्छे से छान लीजिए। छानने के बाद बचे हुए गोबर के कंडे को एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार हो गया है। लेकिन दोस्तों रुकिए, अभी और भी हमें इसमें मिलाना है, वो आगे हम वीडियो में देखते हैं। इस फर्टिलाइजर को अगर डायरेक्ट पॉट में यूज करना है तो आधे कप फर्टिलाइजर में आधा कप पानी मिलाकर आप डाल सकते हैं, और अगर आपको इसे फॉयलर स्प्रे करना है तो किसी कपड़े की सहायता से एक बॉटल में इस तरह से छान लीजिए। दोस्तों, आप सोचेंगे कि ये तो सिर्फ फर्टिलाइजर ही है, इससे हानिकारक जीवाणु और फंगस कैसे दूर होगी? तो धीरे धीरे रखिए, मैं आपको वीडियो के एंड में वो भी दिखाता हूँ। दोस्तों, इसी तरह से मैंने ये 3 से 4 बोतल लिक्विड फर्टिलाइजर की तैयार कर दी है। अब इसे यूज करते हैं। दोस्तों, ये हमारा मेन लिक्विड फर्टिलाइजर है और ये काव यूरिन है। काव यूरिन की जगह आप नीम ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। अब एक बोतल में आप 1 लीटर जितना पानी लीजिए और इसमें 150 ml यानी कि 150 ml जितना ये लिक्विड फर्टिलाइजर डालिए और इसके साथ 20 ml जितना ये काव यूरिन या फिर नीम ऑयल हमें इसमें मिक्स करना है। मल्टीपर्पस लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए सबसे पहले इसमें 1 चम्मच जितना ऑर्गेनिक ट्राइकोडर्मा विरिड नाम का फंगिसाइड डालें और बाद में इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर और काव यूरिन या फिर नीम ऑयल इसमें डाल दें और इसे पानी के साथ अच्छे से मिला दें। हमारा मल्टीपर्पस लिक्विड फर्टिलाइजर अब प्लांट में यूज करने के लिए तैयार है। इस लिक्विड फर्टिलाइजर को किसी भी फ्लावरिंग या फ्रूट वाले प्लांट पर हफ्ते में एक बार इस तरह से फॉयलर स्प्रे करें और मंथ में 3 बार इसे पॉट में मिलाना है। और दोस्तों, ये टोटली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, तो आप इसे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो भी प्लांट को नुकसान नहीं करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।